News Gate Prime. समस्तीपुर में सुशासन पुलिस का कारनामा हत्या के आरोप में मृतक के घर की याद प्रयाग की आस में भटक रहे पंचायत रूप सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन मीडिया में खड़े बेहद चरस की कीमत करोड़ों में सुबह में अलग अलग सड़क हादसे में नौ की मौत स्मैक देवी भी है आपका स्वागत है। मैं हूं विजय कुमार। सुबह में सुशासन की पुलिस का एक और कारनामा उजागर हुआ है। मामला समस्तीपुर के पटोरी थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने करीब डेढ़ महीने पहले हुए मारपीट और हत्या के आरोपी के घर कुर्की जब्त की, जबकि जिस शख्स पर हत्या का आरोप है उसकी मौत करीब 10 साल पहले हो चुकी है। अब पीड़ित परिजन न्याय की आस में तरतर भटकते को मजबूर है। एक रिपोर्ट। पुलिस का कारनामा, सुशासन की पुलिस का कारनामा, मृतक के घर कुर्की जब्ती, पहले मृतक को बनाया हत्या का आरोपी, फिर बगैर जांच के कुर्की जब्ती, खुलेआम घूम रहे हैं अपराधी, लेकिन नहीं पकड़ती है पुलिस, और गरीब का घर का दिया बर्बाद, पहले बिहार पुलिस। सूबे में प्रशासन की पुलिस का एक और कारनामा उजागर हुआ है। समस्तीपुर में पुलिस ने पहले एक मृतक को बगैर जांच के हत्या का आरोपी बनाया। पुलिस पर जब आरोपियों को पकड़ने का दबाव बढ़ा तो आनंद माना में एक गरीब का घर उजाड़ दिया गया। आइए सुनते हैं कथित आरोपी के घर वालों आदमी के नाम जैसे उसमें दे देती थी सिद्धार्थ बुझ कर ना किस नाम देवे के चाहिए घोरा घोरा जितना जो रही पलंग थरिया लोटा लोही लोटा जितना जो घर में तमाम है सब मन जी जब्ती कर देखी ईटा ईटा को उठा कर देखे घर में अब हम कहाँ रहो। दरअसल यहाँ एक हत्याकांड के मामले में कुल 16 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया, जिसमें रविंद्र राय नाम के आरोपी बनाया गया, जिनकी मौत करीब 10 साल पहले हो चुकी है। पता नहीं पुलिस अन्य 15 आरोपियों को पकड़ पाई या नहीं, लेकिन आरोपी की तलाश में मृतक के घर कुर्की जब्त करना ही सबसे हास्यास्पद तो ये है कि जो व्यक्ति 10 वर्ष से ज्यादा पहले मर गया उस व्यक्ति का नाम भी इस मामले में घसीटा गया और स्थानीय पुलिस उनका जब्ती कुर्की वारंट सब कर रही है। सुशासन में जो पुलिसिया व्यवस्था है अब वो भी सामने जब्ती कुर्की हो गया। अब इस परिस्थिति में अभी कैसे होगा क्या करना है तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। नीतीश कुमार को नजर में सब दिखाई पड़ रहा है। पीड़ित परिजन डीआईजी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जिस थानाध्यक्ष ने ये कार्रवाई की उनका शांत चेहरा देखने लायक है। उसका नाम जो है कान में दर्ज कर दिया गया है और उसकी कुर्की कर ली गई है। मृत व्यक्ति रविंदर है, क्या मामला है सर पूरा? सुबह के मुखिया अपनी सेवा यात्रा के क्रम में यहाँ पहुँचने वाले हैं और शायद थानाध्यक्ष महोदय भी उनके स्वागत में तैनात रहेंगे। लेकिन क्या गरीब का घर उजाड़ने वाले इस वर्दीधारी को नीतीश दंडित करेंगे? ये सवाल पीड़ित परिजनों से लेकर के जहन में कौन रहा है? उसके लिए समस्तीपुर से राहुल देव सोलंकी की रिपोर्ट। शासन में स्वास्थ्य